चेयरमैन फिक्की श्री राजेश शाह जी, फ्लो चेयरमैन मिस वासवी भरतराम एंड वाई फ्लो चेयर पर्सन दिल्ली आंचल सेठी एंड द सीनियर वाइस प्रेसिडेंट वाई फ्लो दिल्ली आताशी सिंघानिया और वाई फ्लो के सभी मेंबर्स एंड अदर डिग्निटरीज, जिस समय मुझे इनवाइट किया था आंचल ने इस कार्यक्रम में आने के लिए, तो मैंने सहज रूप से अपनी कंसेंट दे दी थी कि मैं कार्यक्रम में आऊंगा, लेकिन कुछ बीच में ऐसा व्यवधान पैदा हो रहा था कि मुझे लगा कि शायद मेरा यह कार्यक्रम छूट जाए। प्राइम मिनिस्टर भी नेपाल के आने वाले थे, यह हुआ कि मुझे ही उन्हें रिसीव करना है, पार्लियामेंट का सेशन भी चल रहा था, लेकिन मैंने भी एडजस्ट किया और आंचल ने भी एडजस्ट किया और मैं इस कार्यक्रम में आज यहां पर आ सका। मैं सच बतलाना चाहता हूं और दिल की गहराइयों से कहना चाहता हूं कि दिस प्रोग्राम वॉज अमेजिंग फॉर मी, बहुत ही ज्यादा। सचमुच मैं कल्पना नहीं करता था कि आज हम जिनको अवार्ड देने जा रहे हैं इतने हाईली टैलेंटेड बच्चे हैं। मैं देख रहा था ये सब सारी लेडीज जिनको हम अवार्ड दे रहे थे, यंग लेडीज, हम लोगों की बेटियों की तरह। और मैं कहना चाहता हूं मेरा विश्वास पक्का हो गया, दुनिया में अब किसी को इस बात का संदेह नहीं होना चाहिए कि भारत वर्षों तक केवल डेवलपिंग कंट्रीज के रूप में ही रिकॉग्नाइज किया जाएगा, बल्कि मैं कह सकता हूं कि जिस कंट्री में इतने हाईली टैलेंटेड, कैपेबल, एफिशिएंट टैलेंट्स हों, उनको दुनिया की डेवलप्ड कंट्री बनने से कोई ताकत रोक नहीं सकती। और मैं कह सकता हूं आप सबको देखने के बाद कि हमारा भारत तो सचमुच सुपर इकोनॉमिक पावर बन सकता है, यह कैपेबिलिटी है, यह कैपेसिटी भारत के अंदर है। मुझे बेहद खुशी हुई है और इस सच्चाई को भी मैं स्वीकार करता हूं कि भारत को हम जिस लेवल पर ले जाना चाहते हैं तो उसमें इस हिंदुस्तान की आधी आबादी को छोड़कर हम भारत को जिस लेवल तक ले जाना चाहते हैं वहां नहीं ले जा पाएंगे। मैं जानता हूं कि बहुत सारी हर्डल्स भी हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी हैं। एक तो जिस समय श्रद्धा बोल रही थी, श्रद्धा ने कहा कि हम अपनी मां और पिता की चार बेटियां थीं और मां का सिर बराबर झुका रहता था कि हमारी चार बेटियां। लेकिन मैं कहना चाहूंगा श्रद्धा, अपनी मां को भी आज बुलाना चाहिए था, और मां यदि होती और श्रद्धा को और इन सब सारी बेटियों को देखती तो शायद उसका मस्तक और ऊंचा हो जाता। कभी भी मस्तक नीचा होने का तो प्रश्न ही नहीं खड़ा होता। पहले हम लोग सामान्यतः जब जाते थे, महिलाओं का कार्यक्रम होता था, तो बहुत सारी एमएनसी मल्टीनेशनल कंपनीज की जो सीईओ हैं, सुनीता विलियम्स, कभी कल्पना चावला, कभी बहुत सारे हमारे यहाँ के खिलाड़ी हैं, केवल उन्हीं का नाम लेते थे। मैंने देखा कि इसमें तो ऐसी ऐसी लड़कियां हैं, ऐसी ऐसी लेडीज हैं, यह तो उनसे भी आगे जा सकते हैं और अधिक ऊंचाई हासिल करने की क्षमता इनके अंदर है, यह मैंने देखा। मुझे बेहद खुशी हुई है। मैं सचमुच इस कार्यक्रम को से मैं स्वयं इंस्पायर हुआ हूं और मेरी मॉरल बूस्टिंग हुई है कि हम भारत को जहां ले जाना चाहते हैं, हम भारत को ले जाने में हम पूरी तरह से कामयाब होंगे। बहुत खुशी हुई है मुझे। आपने देखा कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने न्यू इंडिया की बात कही है कि 2022 में हम एक नए भारत का निर्माण करना चाहते हैं। पहले किसी को संदेह रहा होगा कि नया भारत बनेगा कैसा, कैसे,
क्या हो जाएगा कि आज का भारत 5 वर्षों के बाद नया भारत बन जाएगा। मैं समझता हूं कि इस वाई फ्लो के कार्यक्रम में कोई आ जाए उसकी समझ में आ जाएगा कि नया भारत कैसे बन सकता है। इसको देखने के बाद इसीलिए मैंने कहा कि हमारी सचमुच हमारी मॉरल बूस्टिंग हुई है, मुझे बेहद खुशी हुई है। और इस अवार्ड का नाम मैं पूछ रहा था आंचल से, देखा इंडियन युवा, युवा युवा तो आप लोग भी जानते होंगे, युवा जो एक ईश्वर का भगवान का जो उपहार होता है गिफ्ट, उसको युवा कहते हैं, यही अर्थ होता है ना। तो मैं कह सकता हूं कि जिनको भी अवार्ड मिला है वो सभी युवा की कसौटी पर पूरी तरह से खरी उतरी, पूरी तरह से युवा की कसौटी पर खरी उतरी। यदि मैं यदि युवा को डिकोड करूं तो मैं कह सकता हूं इंटेलिजेंट वाइब्रेंट अचीवर्स। डिफरेंट फील्ड में मैंने देखा कि जिनको अवार्ड मिला है वो सारी लड़कियां काम कर रही हैं, अच्छा काम कर रही हैं। एक बात मैं कहना चाहूंगा, मैं ग्रामीण क्षेत्र से आता हूं, बहुत बड़े परिवार में नहीं पैदा हुआ हूं, बहुत साधारण परिवार में मैं पैदा हुआ हूं। भारत की राजधानी दिल्ली में आप सब हैं, आप सबके अंदर वह क्षमता है, आप सबके अंदर वह टैलेंट है, आप सबके अंदर वह कैपेबिलिटी है कि हिंदुस्तान में बहुत सारी महिलाएं बहुत सारी युवतियां जो अपॉर्चुनिटीज उनको मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही हैं, क्योंकि उनके टैलेंट का को डेवलप करने के लिए जो सारी अपॉर्चुनिटीज अथवा जो अवसर उनको मिलने चाहिए वो नहीं मिल पा रहे हैं। हम क्या कर सकते हैं उनके लिए, मैं समझता हूं कि इस संबंध में ये हम सबको विचार करना चाहिए। और मैं जानता हूं बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस को मैंने देखा है, महिलाओं के ऑर्गेनाइजेशंस को देखा है, दूर दराज गरीब गांव में जाकर जिस तरीके से महिलाओं के लिए अच्छे अच्छे घरानों की पढ़ी लिखी हाईली एजुकेटेड लड़कियां औरतें ऑर्गेनाइजेशन अपने एनजीओ बनाकर अन्य दूसरे ऑर्गेनाइजेशन बनाकर जो रोल वह प्ले कर रही हैं, मैंने तो कुछ मैं देश के कुछ क्षेत्रों को जानता हूं कि उनमें बहुत बड़ा बदलाव लाने में यदि किसी ने बहुत ही इंपॉर्टेंट प्ले किया है तो हमारी लेडीज के जो एनजीओ हैं उन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, एक बदलाव आया है, परिवर्तन आया है। और साथ ही साथ वीमेन इंटरप्रेन्योरशिप इसको भी डेवलप करने की आवश्यकता है। मैं जानता हूं कि भारत में बहुत सारी हर्डल्स भी हैं वीमेन एंटरप्रेन्योर बनने में, इसमें हर्डल्स भी हैं, लेकिन हमारी सरकार ने उन हर्डल्स को भी दूर करने की अपनी तरफ से भरपूर कोशिश की है और हम लोग अपनी तरफ से उन हर्डल्स को दूर करने की भी कोशिश कर रहे हैं। कुछ आप चले जाइए दूर दराज यदि गांवों की तरफ तो बहुत सारी सामाजिक बंधन भी होते हैं, कंपल्शंस भी होती हैं लड़कियों की कि जहां जो करना चाहती हैं वह नहीं कर पाती हैं, कई इस प्रकार के कंपल्शंस होते हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि वाई फ्लो जैसे ऑर्गेनाइजेशन उनके अंदर भी एक अवेयरनेस पैदा कर सकते हैं, उनके अंदर भी एक वह जागरूकता पैदा कर सकते हैं, यह क्षमता उनके अंदर है। और मेरा विश्वास है कि यह ऑर्गेनाइजेशन वाई फ्लो इससे भी आगे बढ़कर इस देश के लिए कुछ कर सकेगा। और अब तो पहले कभी कहता रहा हो कोई कि लड़कियां कमजोर होती हैं, औरतें कमजोर होती हैं, जो पुरुष कर सकते हैं औरतें नहीं कर सकती, अब कौन कहेगा, अब कौन कहेगा।
आपने देखा रिपब्लिक डे के अवसर पर सर्वाधिक चर्चा दी रही थी हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की, जो हमारी लड़कियां थी जिन्हें सीमा भवानी कहकर हम पुकारते हैं, उनका जो स्टंट था, उनका रोल था, सर्वाधिक चर्चा आदि कहीं किसी की रही तो उन्हीं की रही। मोटरसाइकिल पर आपने देखा होगा सीमा भवानी जिसे कहते हैं। और हमारी धारणा तो बहुत पहले से रही है, पक्की धारणा रही है कि भारत को यदि हम एक सशक्त भारत बनाना चाहते हैं, स्वावलंबी भारत बनाना चाहते हैं, स्वाभिमानी भारत बनाना चाहते हैं, तो भारत की आधी आबादी को छोड़कर भारत को सशक्त, स्वाभिमानी और स्वावलंबी भारत नहीं बनाया जा सकता। हो सकता है कि बहुत सारे लोग यह बात केवल कहने के लिए कहते हैं, क्योंकि अपीजमेंट यह भी एक सिलसिला चलता है, लेकिन मैं यह कहने के लिए नहीं कहता हूं, यह हकीकत है। मैंने कुछ किया है, हमने इसी सोच के आधार पर पहले भी किया है। जब मैं भारतीय जनता पार्टी का नेशनल प्रेसिडेंट बना, तो नेशनल प्रेसिडेंट बनने के बाद हिंदुस्तान की अकेली पॉलिटिकल पार्टी हमारी थी, जिसमें कि मैंने फैसला किया कि हमारी नेशनल से लेकर विलेज कमेटीज तक जो होंगी उनमें मोर देन 33% पार्टिसिपेशन यदि किसी का होना चाहिए तो महिलाओं का होना चाहिए। पहली बार किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के कॉन्स्टिट्यूशन में इस प्रकार का अमेंडमेंट अपने प्रेसिडेंट रहते हुए मैंने किया था। होम मिनिस्टर बनने के बाद तो मैंने सारी स्टेट्स को भी एडवाइजरी जारी की है, और हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस, चाहे वो सीआरपीएफ हो, बीएसएफ हो, चाहे आईटीबीपी हो, सीआईएसएफ हो, एनएसजी हो, मैंने कहा 33% पार्टिसिपेशन महिलाओं का होना चाहिए। और ये धीरे धीरे आपको जानकर खुशी होगी कि इन सारे पैरामिलिट्री फोर्सेस में भी अब महिलाओं का परसेंटेज, उनका प्रतिनिधित्व बड़ी तेजी के साथ बढ़ रहा है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। भारत की सीमाओं की सुरक्षा में भी ये सब सारी युवतियां बहुत ही अच्छा अपना रोल प्ले कर रही हैं, बहुत ही अच्छा रोल प्ले। मैं जो डीजी से बात करता हूं, क्या है आपकी फोर्स में लड़कियों का रोल कैसा है, अप टू द मार्क है कि नहीं? अरे कहें साहब, अप टू द मार्क की बात छोड़िए, उसके भी ऊपर है। तो अब वो जमाना चला गया कि महिलाओं को एक दूसरे नजरिए से देखा जाता था। और सबसे बड़ी बात, भारत को यदि हम महान भारत बनाना चाहते हैं तो महान भारत केवल धन से भारत, पैसे से भारत महान भारत नहीं बन सकता। कुछ वैल्यूज होते हैं, उन वैल्यूज के प्रति भी हमारा कमिटमेंट होना चाहिए। और वैल्यूज यदि लोगों के चित्त में, दिल में भी बैठाए जा सकते हैं, इनकलकेट कराए जा सकते हैं, छोटी उम्र में ही इनकलकेट कराए जा सकते हैं, बच्चों को भी उनके अंदर भी वैल्यूज के प्रति कमिटमेंट पैदा करने का सबसे इंपॉर्टेंट रोल यदि कोई प्ले कर सकता है तो आप लोग कर सकते हैं, आप लोग कर सकते हैं। अब जैसे मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं, जैसे मैं अपना उदाहरण एक दूं, मैं क्लास 7th में था, कक्षा 7 में, हमारे पिताजी भले ही हम 11 बजे सोए, 4 बजे वो जगा देते थे, उठो पढ़ना है। उस समय लाइट नहीं होती थी, लालटेन जलाकर हम लोग गांव में पढ़ते थे। ठंड के दिनों में कंबल, रजाई, जो कुछ भी होती थी अपना वो ओढ़कर मैं बैठ जाता था। क्लास 7th में मैं पढ़ रहा था, बामुश्किल 11-12 साल की उम्र थी, तो मैं सोने लगता था उसी में। पिताजी पूछते थे, पढ़ रहे हैं ना? हाँ, मैं पढ़ रहा हूं, पढ़ रहा हूं। और यही बात मैंने अपनी मां को एक दिन, बहुत दिनों के बाद मैंने बतला दिया कि बाबूजी हमको 4 बजे जगा देते हैं, मैं जग जाता हूं, नींद आती है, लेकिन बाबूजी जब बीच में पूछते हैं कि पढ़ रहे हो कि नहीं, तो मैं कह देता हूं कि मैं पढ़ रहा हूं। तो आपको यकीन नहीं होगा कि मेरी मां ने कहा कि बेटा चाहे जो कुछ भी हो जाए, झूठ कभी नहीं बोलना चाहिए। और मैं जानता हूं कि मैं
राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रहा हूं, आप सबको लगता होगा कि पॉलिटिशियन बिना झूठ बोलकर कामयाबी नहीं हासिल कर सकता। यह हकीकत है ना। मैं जानता हूं कि वर्ड्स और डीड्स, कृति और कथन, वर्ड्स और डीड्स में जो अंतर रहा है पॉलिटिशियंस के कारण, इसी कारण पॉलिटिशियन और पॉलिटिक्स दोनों के प्रति एक क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी, विश्वास का संकट पैदा हुआ है। लेकिन मैं यह दावा नहीं करना चाहता हम कभी झूठ बोलते हैं, लेकिन इतनी बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि चाहे जो कुछ भी हो जाए, मैं जानबूझकर होशो हवास में झूठ नहीं बोलूंगा। और यदि किसी को लग जाए इस बात का तो मुझे लिख भी सकता है। श्रद्धा बेटी है, अभी कोई .com चलाती है ना, बराबर कुछ नहीं बिगड़ता है उसे। चुनाव लड़ते समय इस बात की भी मैं सावधानी बरतता हूं। लखनऊ कॉन्स्टिट्यूएंसी से मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूं, तो मैं कभी यह नहीं कहता कि मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन जाऊंगा तो यह कर दूंगा, वह कर दूंगा, करिश्मा कर दूंगा, कभी भी आश्वासन नहीं देता। सीधे कहता हूं, आप सबका आशीर्वाद होगा तो मैं यह काम करने की कोशिश करूंगा। आश्वासन ही यदि देना है तो आप कहिए, मैं प्रयत्न करूंगा, इसके लिए सोचूंगा, हम कर डालेंगे इसको, ये कर डाले तो, यदि कहा है तो करना चाहिए, चाहे उसके लिए जो भी कीमत चुकानी पड़े। तो ये सब वैल्यूज कहां से आए? मेरी मां ज्यादा तो पढ़ी नहीं, लिखी नहीं थी, क्लास 2 क्लास 3 पढ़ी रही होगी ज्यादा से ज्यादा, या घर पर पढ़ी होगी। उसने कहा कि बेटा झूठ मत बोलना, सब छोड़ दीजिए। छत्रपति महाराज शिवाजी का मैं उदाहरण देना चाहता हूं। मुगल साम्राज्य का जो अंत हुआ है भारत में, वह अंत करने वाला कोई था? छत्रपति महाराज शिवाजी। और मुगल साम्राज्य औरंगजेब का कहां से था? अफगानिस्तान से लेकर बर्मा तक था, अफगानिस्तान से लेकर बर्मा तक का इतना बड़ा साम्राज्य, बहुत बड़ा साम्राज्य माना जाता था। किया किसने? छत्रपति महाराज शिवाजी ने अंत कर दिया। और छत्रपति महाराज शिवाजी ने पूरे मुगल साम्राज्य का ही भारत में अंत कर दिया था। कैसे किया? किसने यह सीख दी थी? किसने यह साहस पैदा किया? किसने उनके अंदर यह कमिटमेंट पैदा किया कि बेटा तुमको भारत के लिए, अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए करना है? किसी ने भी किया तो माता जीजाबाई ने किया। उठाकर छत्रपति महाराज शिवाजी की हिस्ट्री को पढ़ लो आप, बहुत बड़ा रोल है आपको। मैं तो कभी कभी कहता हूं कि हम भारत को सुपर पावर, सुपर इकोनॉमिक पावर, ये सब तो है, होना चाहिए भारत को, इसमें कहीं दो राय नहीं, लेकिन भारतवासियों को के पास जो वैल्यूज हैं, जो मूल्य हैं, जो कमिटमेंट हैं, जो संस्कार हैं, वो विरले ही कहीं देखने को मिलेंगे। तो भारत जो कभी विश्वगुरु था, तो हम भारत को पुनः विश्व गुरु के पद पर आसीन करा सकते हैं। यह क्षमता यदि कहीं पर है कि दुनिया किसी देश में, तो केवल और केवल भारत देश में है। मैं जानता हूं कि बहुत सारे लोगों को यकीन नहीं होगा, भारत विश्व गुरु के ऊपर के पद पर कैसे आसीन हो सकता है? इसमें सारे पढ़े लिखे बच्चे हैं, लेकिन मैं बतलाना चाहता हूं, मैं फिजिक्स का स्टूडेंट रहा हूं। फिजिक्स, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, कोई भी सब्जेक्ट हो, मैं कह सकता हूं सभी के बारे में जो ज्ञान, आप यू कांट इमेजिन, जो ज्ञान भारत के पास रहा है, दुनिया के पास वह ज्ञान नहीं रहा है किसी क्षेत्र में। आप सबने शायद वो पढ़ा नहीं होगा, यम वोल्टेयर को, यम वोल्टेयर का नाम हम सुना होगा, एक फ्रेंच रिवॉल्यूशन के दौरान बहुत जिनकी शोहरत थी, जिनका नाम था फ्रांस क्रांति के दौरान, यम वेल्टेयर ने भी यह कहा है कि दुनिया को यदि ज्ञान कहीं से प्राप्त हुआ है तो बैंक ऑफ गंगेश से प्राप्त हुआ है, जहां गंगा बहती है वहीं से प्राप्त हुआ है, उन्होंने कहा है। इतना नहीं, चाइना जैसा एक सशक्त और प्रभावी देश कहा,
उसके वहाँ के मिस्टर हुसी थे, एक वाइस चांसलर हुआ करते थे पेकिंग यूनिवर्सिटी के, जिस समय की चाइनीज रिवोल्यूशन चल रहा था, चाइना की क्रांति चल रही थी, और वह पेकिंग यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी थे, और उस समय चाइना को यूनाइटेड नेशन में उन्होंने रिप्रेजेंट भी किया था। उन्होंने लिखा है कि इंडिया हैज कल्चरली कंट्रोल्ड एंड डोमिनेटेड चाइना फॉर मोर देन 2000 ईयर्स विदाउट सेंडिंग ए सिंगल सोल्जर। यह है भारत। तो मैं कुछ ज्यादा नहीं कहना चाहता हूं। अंतिम बात वेमेन एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में कहकर कि हमारी गवर्नमेंट इसको डेवलप करने की दृष्टि से बहुत कुछ कर रही है। आपने देखा होगा कि मुद्रा लोन का जो सिलसिला हम लोगों ने प्रारंभ किया है, उसमें मुझे खुशी है यह बतलाते हुए आप सबको, सर्वाधिक लोन यदि किसी को मिला है तो इसे हम इंस्टीट्यूशनल फाइनेंसिंग कहते हैं, तो उसमें से महिलाओं को मिला है, दलितों को मिला है, पिछड़ों को मिला है, इनको मिला है, और साथ ही साथ बिजनेस के लिए बहुत सारी सुविधाएं भी हमारी सरकार ने पैदा की हैं और आगे भी पैदा करने की कोशिश कर रही है। क्योंकि आपने देखा होगा बहुत सारे स्ट्रक्चरल और प्रोसीजरल जो चेंजेज लाने चाहिए, वह स्ट्रक्चरल और प्रोसीजरल चेंजेज भी हम लोगों ने लाने की कोशिश की है और उसका परिणाम भी अब देखने को मिल रहा है। तो आज के अवसर पर मैं समझता हूँ कि इससे ज़्यादा बहुत कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। मैं आंचल मैं बधाई देना चाहता हूँ बहुत ही सक्सेसफुल कार्यक्रम के लिए, पूरी टीम को मैं बधाई देता हूँ, और आताशी आने वाली हैं अगली चेयरमैन बनेंगे, तो मैं आताशी को भी अपनी तरफ से कांग्रेचुलेट करता हूँ और बड़ा होने के नाते आताशी आशीर्वाद देता हूँ, और पुनः इस सफल कार्यक्रम के लिए मैं अपनी तरफ से आंचल और उनकी पूरी टीम और वाइफ ले को कांग्रेचुलेट करते हुए और आप सबको धन्यवाद देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ।